वैसे तो थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे क्या है पूरा ब्लॉग का सीन आज का। बाकी तू बता। हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं स्कूटी लेने। सारे बताने पहले बड़ा हरामी हो बेटा। सो गाइस, आज हम कहीं जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं, क्या ये आपको करने वाले आगे है? पता चलेगा, ये आपको बाद में पता चलेगा। बट तो स्टे ट्यून, देखते रहिए। सरप्राइज है, अच्छी न्यूज है, और आप वीडियो को पूरा देखें। और फिलहाल का सीन ये है कि हम रास्ते में हैं और हमारे साथ तो गाइस तो आगे की हम मिलते हैं फिर पहुंचने के बाद। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सबको तो सब्सक्राइब कर दे। बाय गाइस। गाइस अभी हम यहाँ पे ट्रू वैल्यू के शोरूम पहुँच गए थे कार वगैरह देखने के लिए। तो ये कार खड़ी हुई थी, इसको हम लोग चेक कर रहे थे। सेकेंड हैंड कार है, तो पापा वगैरह देख रहे थे, उसको भी हम लेने की सोच रहे कुछ टाइम बाद। तो वी आर जस्ट टेस्ट ड्राइव के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। वहाँ से निकलने के लिए अब हम लोग पहुँच गए थे होंडा के शोरूम में, जहाँ पे हम लोगों ने स्कूटी बुक कराई हुई थी। तो वहाँ हम लोग लेने के लिए पहुँच गए, आप देख सकते हो। और अभी दिवाली का टाइम चल रहा, तो काफ़ी ज़्यादा रश थी मार्केट में और सब जगह रंग रखा हुआ पड़ा था। तो यहाँ पे सब लोग स्कूटी वगैरह देखने आए हुए थे। तो ये होंडा का शोरूम था सोनीपत का, और हम लोग अंदर देखने गए। मुझे बेसिकली मैंने स्कूटी नहीं देखी क्योंकि मुझे नहीं पता था कौन सी पसंद कर रखी है। मैंने गेट टू नो कि हमारी ये वाली स्कूटी है। हमने मैट ब्लैक कलर में पसंद किया था स्कूटी को, और चेक वगैरह भी कर लिया था जो कि मेरी बहन के नाम पे बुक थी। और अभी यहाँ पे भी हम लोग अंदर शोरूम के चले गए, और थोड़ी काफ़ी टाइम लग गया। हम लोग आई थिंक 3 to 4 वहाँ पर हम लोग बैठे थे, और हमें मिलते मिलते 7 to 6 का टाइम हो चुका था, और शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था, और काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन में भी काम टाइम लग गया, और मैं बैठे बैठे वहाँ पे बोर हो गई बहुत ज़्यादा। हमने वीडियो, और ये हमारा शोरूम होंडा। गाइस सारा पेपर वर्क और फॉर्मेलिटीज डन हो चुकी थी। देन उसके बाद हम लोगों को ये चांदी का सिक्का मिला, क्योंकि हम लोगों ने धनतेरस वाले दिन स्कूटी परचेज़ की थी। सो प्लानिंग पहले की थी, बट फिर उन्होंने बोला सिक्का मिलेगा, तो इस वजह से हमने सोचा धनतेरस वाले दिन ही परचेज़ कर लिया जाए। देन उसके बाद यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह चल रही है, और ये मेरी बहन के नाम थी, तो इस वजह से उसको बड़ी सी चाबी रिसीव हुई। चाबी उन्होंने हमें नहीं दी, वो अपने पास ही रख ली। और फिर प्लानिंग ये थी कि चाचा आ रहे हैं स्कूटी पे जाएंगे, और हम लोग पीछे पीछे कार लेके आएंगे, तो ये उसी की तैयारी चल रही है। अभी हम चाचा को हेलमेट पहना रहे हैं। अभी आपको पता चल गया होगा कि मैं किस गुड न्यूज़ की बात कर रही हूँ, तो मैं बता देती हूँ दोबारा। हमने ली है स्कूटी, नहीं परचेज़ की है, और ये मेरे बर्थडे, मेरा बर्थडे कल था, और मेरे बर्थडे से नेक्स्ट डे लिया, आज है धनतेरस। तो मैं आपको धनतेरस भी विश करना चाहूँगी, तो हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। सो अभी हम घर जा रहे हैं, अभी का सीन है, और अभी चाचा और आर्यन स्कूटी लेके आ रहे हैं, तो मैं दिखाती हूँ वो पेट्रोल पंप पे खड़े हुए हैं। अच्छा
सो अभी बीनू महारानी जी और तो पापा कर लियो। और मैं अभी घर जा रहे हैं। अच्छा। तो फिर मिलते हैं घर जाने के बाद। हेलो एक हेलो आपकी आवाज ब्रेक होनी शुरू हो गई सर। बेलू आई है।